This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, पहले वाली जो RDP थी उसमें हमें जो लोकेशन मिली थी वो मिली थी सिंगापुर की, इस वाली RDP में। और इसमें आप लोग देख पा रहे हो जो लोकेशन है वो है जर्मनी की, ठीक है। मतलब कि एक टाइम पर आप मल्टीपल फ्री RDPs यूज कर सकते हो डिफरेंट लोकेशन की। तो देखें वहीं से ही हमें जो हमारी RDP है वो मिलेगी। यहाँ पर आप कुछ भी लगा कर छोड़ दें, उसको बंद कर दें, आपका बैकग्राउंड पे सब कुछ चलता रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो हमें लोकेशन मिली है वो है सिंगापुर की, ठीक है। यहाँ पर आपको IP एड्रेस वगैरह भी नजर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें 1GB प्लस था। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ, ये तकरीबन 2GB का आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ये फिलहाल काम दिखा रहा है स्पीड, लेकिन ये 2GB का इंटरनेट आपको इजिली प्रोवाइड कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप गूगल या यूट्यूब में सर्च कर रहे हो हाउ टू क्रिएट फ्री RDP इन 2025, या आप गूगल या यूट्यूब में सर्च कर रहे हो गेट फ्री RDP, या आप यूट्यूब में सर्च कर रहे हो फ्री RDP वर्किंग मेथड इन 2025, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फ्री RDP क्रिएट करना सिखाऊंगा, एक ऐसा फ्री RDP का मेथड बताऊंगा जिसकी हेल्प से बच्चा बच्चा फ्री RDP बना सकेगा। बस आप लोगों ने ये वीडियो आखिर तक लाजमी से देख लेनी है। इस फ्री RDP को बनाने के लिए ना तो आपको किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी और ना ही किसी डेबिट कार्ड की। और आपको इस RDP में इंतहाई तेज इंटरनेट मिलेगा। और इस RDP की खासियत ये है कि आप एक टाइम पर मल्टीपल लोकेशंस की RDP एक्सेस कर पाओगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक आपने लाजमी से देखना है। आज हमारी फ्री RDP सीरीज की 7वीं वीडियो है। अगर आप लोग ये फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हो उनको मैं बताता हूँ, हमारे चैनल पर फ्री RDP की सीरीज चल रही है, जिस सीरीज में मैं आपको 2025 के फ्री RDP के वर्किंग मेथड बता रहा हूँ। ये सारी वीडियो जो है यहाँ से और यहाँ तक, ये सारे वो मेथड हैं जो 2025 में 100% वर्किंग है। अगर आप लोग विंडोज RDP बनाना चाहते हो तो आप हमारी ये पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो। और लव यू हो गया आप सब लोगों का, आप लोगों ने हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स भी कम्प्लीट करवा दिए हैं। आपको नहीं पता ये एक छोटा माइलस्टोन नहीं है एक छोटे यूट्यूबर के लिए, तो भाई लोगों आप लोगों को दिल से लव यू हो गया। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहे, मैं भी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट लाता रहूँ। अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मैं आ चुका हूँ अपने PC में। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है, याद रहे वो वाला ब्राउजर ओपन करना है जिसमें आपका Gmail का अकाउंट लॉगिन हो। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस नोटपैड का लिंक मिलेगा, आपने वहाँ से जाकर इस नोटपैड को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप डाउनलोड कर लो आपने नोटपैड को ओपन करना है और इस पूरी लाइन को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने से पहले आपने ये वाली एक स्पेस है इसको आपने खत्म करना है, और अब इस पूरी लाइन को यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अचानक अपने ब्राउजर में, अच्छा यहाँ पर एक और बात आप लोगों से करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी से फॉलो करना है। 4000 हमारे फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब व्हाट्सएप चैनल का फायदा ये है, जिन्होंने फॉलो किया हुआ है हमारे व्हाट्सएप चैनल को, वहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ और आप लोगों से कॉन्टेंट की सजेशन मांगता हूँ, तो हमारी वोटिंग वगैरह वहाँ पर होती है और मैं वहाँ पर कॉन्टेंट भी अपलोड करता हूँ, तो आप लोगों ने लाजमी से हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और कमेंट के अंदर भी मैं पिन कर दूंगा, आप दोनों जगह में से किसी जगह से जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। आते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। अब जो लाइन आपने कॉपी की थी आपने आकर सिंपल अपने ब्राउजर में उसको कॉपी पेस्ट करना है और सिंपल उसको सर्च कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ को। अब ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये सारे सर्वर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे आते रहे आपको नजर आते रहेंगे। अब आपको जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आज की RDP बच्चा बच्चा बना पाएगा, तो वो कैसे बनाएगा। अब सबसे ऊपर आप देखें ये Ubuntu का सर्वर है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आपको उसकी तमाम स्पेसिफिकेशन भी नजर आ रही हैं। अब आपने RDP को एक्सेस कैसे करना है, आपने सिंपल करना है स्टार्ट सेशन, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने गूगल पर क्लिक करना है। याद रहे आपका Gmail का अकाउंट लॉगिन होना चाहिए आपके ब्राउजर में, और जैसे ही आपका यहाँ पर ब्राउजर लॉगिन वगैरह हो तो यहाँ पर आपके सामने देखें आपका ईमेल शो होगा, आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा और आपका यहाँ पर जो वर्चुअल सर्वर है वो भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। बस आपका काम खत्म हो चुका है, आपकी जो RDP है वो यहाँ पर बनना स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने चंद सेकंड वेट करना है और आपके सामने आपका जो वर्चुअल सर्वर होगा वो क्रिएट होके शो कर दिया जाएगा। अब चंद सेकंड के लिए आपने यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर देखें आपके सामने हमारी चंद सेकंड में हमारी जो RDP है वो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी स्क्रीन को बड़ा करना है एरो पर क्लिक करके, यहाँ पर आपने
फुल स्क्रीन पर इसको शिफ्ट कर लेना, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर RDP जो है वो बन चुकी है। अब जैसे चाहे आप इसको यूज करें, यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर मिल जाता है, इस पर डबल क्लिक करें, इसको ओपन कर लें। अब यहाँ पर फ्री RDP तो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं रखने लगा हूँ लाइक्स का एम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में लाइक्स का एम रखा था, आपने वो एम पूरा करवाया, और मैं एक के बाद एक वर्किंग मेथड आप लोगों के लिए लाता जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो पर हम लाइक्स एम रख रहे हैं 150 लाइक्स का, ठीक है। 150 लाइक आपने करवाने हैं, इससे अच्छा मेथड आप लोगों के लिए मैं लेकर आ जाऊंगा। फिर अब यहाँ पर हमारा जो क्रोम ब्राउजर है वो ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले तो हम अपनी लोकेशन चेक कर लेते हैं, माई IP एड्रेस लोकेशन सर्च कर लेते हैं, सिंपल। अच्छा देखें, कुछ इस तरह का ना ये इंटरफेस आपको शो होता रहेगा RDP के दौरान, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह करके, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है, आपकी RDP कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम सर्च कर रहे थे माई IP एड्रेस लोकेशन, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, ये आ चुका है माई IP एड्रेस। और यहाँ से आपने इसको सिंपल अलाउ कर देना है, और अगर आपको लैंग्वेज समझ ना रही हो तो आपने यहाँ पर चेंज टू इंग्लिश पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से हम इस फर्स्ट वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं हमें कौन सी लोकेशन मिली है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, जो हमें लोकेशन मिली है वो है सिंगापुर की, ठीक है। यहाँ पर आपको IP एड्रेस वगैरह भी नजर आ रहा है, तो ये हमें सिंगापुर की फ्री RDP मिली है। अब यहाँ पर हम इसकी इंटरनेट स्पीड चेक कर लेते हैं। इंटरनेट की स्पीड चेक करने के लिए सिंपल हम गूगल में आके सर्च करेंगे स्पीड टेस्ट, बल्कि वो नीचे आया हुआ था, तो यहाँ से हम इसको सर्च कर लेंगे। ओखला की वेबसाइट हम ओपन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ओपन करेंगे fast.com को, ताकि हमें जरा एक्यूरेट इंटरनेट की स्पीड देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर इंटरनेट तो काफी फास्ट होता है, तो यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें 1 GB प्लस था। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ, ये तकरीबन 2 GB का आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ये फिलहाल कम दिखा रहा है स्पीड, लेकिन ये 2 GB का इंटरनेट आपको इजिली प्रोवाइड कर देता है। अभी फिलहाल जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं वो तकरीबन 500 MB की है, लेकिन ये पीक टाइम पर आपको 2 GB का इंटरनेट इजिली प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर देखें फिलहाल 600 MB का दिखाया इसने, लेकिन ये 2 GB तक इजिली स्पीड अपनी ले जाता है। अब आप इस RDP के अंदर कोई भी अपना टास्क इजिली परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ से मैं इस ब्राउजर को बंद कर देता हूँ, और सबसे पहले तो इस स्क्रीन को हम छोटा करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप एक टाइम पर मल्टीपल लोकेशन की RDP यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर हम न्यू टैब में आएंगे अपने ही ब्राउजर के, जो आपने लाइन कॉपी की हुई थी उसको अगेन हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर देखें आपको मिलेगी काली लिनक्स की, ठीक है। यहाँ पर आपने अगेन इस पर स्टार्ट सेशन पर क्लिक करना है, तो आपकी यहाँ पर एक और लोकेशन की फ्री RDP जो आपका फ्री सर्वर होगा वो क्रिएट हो जाएगा। तो चंद सेकंड वेट करते हैं, ये वाली RDP भी आपकी चल रही है और ये वाली भी आपकी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो चंद सेकंड वेट करते हैं, हमारी यहाँ पर ये RDP क्रिएट होकर हमारे सामने शो कर दी जाएगी। इतना आप वीडियो को लाइक कर दें, और आप लोगों ने ये जब फ्री RDP बना लेनी है, उसके बाद आकर आपको पता है आपने क्या करना है, आपने लाजमी से अपना फीडबैक देना है, आकर आपने लाजमी से कॉमेंट करने है, और आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को लाजमी से फॉलो करना है, ताकि जो भी इस चैनल पर कॉन्टेंट आए उसमें आपका भी सजेशन लाजमी से हो। डिस्क्रिप्शन और आपको कॉमेंट में पिन मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो यहाँ पर इतना हमारा जो न्यू RDP है वो भी ओपन हो चुकी है। देखें यहाँ पर ये वाली RDP भी चल रही है, और ये दूसरा सर्वर भी आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पेस वगैरह चेक करवा देता हूँ। फाइल सिस्टम में चलते हैं, इसको यहाँ पर हम अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें तकरीबन आपको 90 GB की आपको यहाँ पर स्टोरेज मिलती है, जो कि इनफ है भाई, ठीक है। ये आपको पॉपअप वगैरह देखने को मिलते रहेंगे, आपने इसको बस क्रॉस करना है। तो यहाँ पर देखें ये 90 GB की आपको यहाँ पर स्टोरेज देखने को मिल रही है, और उसकी भी देख लेते हैं भाई इसमें हमें कितनी स्टोरेज मिली है। उसके लिए सिंपल हम एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ से हम इसको ओके करेंगे, ठीक है। इस तरह के पॉपअप आए ना तो आपने सिंपल ओके कर देना है। यहाँ से एप्लीकेशन में जाएंगे, एंड यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो है आपको मिलती है 120 GB की स्टोरेज, इसमें आपको मिलती है 90 GB की, और जो सिंगापुर वाली पहली RDP थी उसमें हमें मिलती है 120 GB की, ठीक है। तो पहले इसकी लोकेशन चेक करवा देता हूँ आपको। अब काली लिनक्स वाली जो RDP है उसमें आपने इंटरनेट कैसे एक्सेस करना है, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एप्लीकेशन में आना है, और यहाँ पर आपको वेब ब्राउजर मिलेगा, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लेना है। वैसे वहाँ पर आपको नजर आ रहा है फायरफॉक्स भी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फायरफॉक्स भी है, लेकिन हम यहाँ पर क्रोम ब्राउजर यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम चेक करते हैं माई IP एड्रेस लोकेशन। ये पॉपअप वगैरह आते रहेंगे, आपने यहाँ पर इसको ओके कर देना है। यहाँ पर हम माई IP एड्रेस लोकेशन चेक करते हैं, यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर सिंपल इसको मैं सर्च कर लूंगा, और ये आपसे कुछ कैप्चा वगैरह फिल करवाएगा, तो आपने यहाँ पर कैप्चा को फिल कर लेना है, तभी आप गूगल को एक्सेस कर पाओगे।
यहाँ पर मैंने माई आईपी एड्रेस लोकेशन की वेबसाइट ओपन कर ली है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, पहले वाली जो आरडीपी थी उसमें हमें जो लोकेशन मिली थी वो मिली थी सिंगापुर की, इस वाली आरडीपी में। और इसमें आप लोग देख पा रहे हो जो लोकेशन है वो है जर्मनी की, ठीक है। मतलब कि एक टाइम पर आप मल्टीपल फ्री आरडीपी यूज कर सकते हो डिफरेंट लोकेशन की। अब स्पीड भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, सिंपल यहाँ पर हम fast.com सर्च कर लेते हैं। इंटरनेट स्पीड भी यहाँ पर आपको काफी फास्ट देखने को मिलेगी। इंटरनेट स्पीड के हवाले से आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पर मैंने fast.com सर्च कर लिया है, यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो इंटरनेट स्पीड है तकरीबन 500 GB तक चली गई है। इस आरडीपी में भी आपको तकरीबन 500 MB से 1 GB तक का इंटरनेट इजीली मिल जाता है, ठीक है। जैसे आपका काम कंप्लीट हो यहाँ पर आप इसको बंद भी कर सकते हो और यहाँ पर इसको ओके कर दो। अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये वाली जो आरडीपी है ना, काली लिनक्स वाली, ये बीच में थोड़ी सी ना क्रैश करती है, मतलब के ब्राउजर बंद हो जाता है इसका। लेकिन ये जो लिनक्स वाली है ये यहाँ पर बंद नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई अपना काम लगाया हुआ है, इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, आपने कुछ सर्च किया हुआ है। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो कोई ब्राउजर ओपन करता हूँ, बल्कि इसको रहने देते हैं, इसमें चेक करते हैं। यहाँ पर मेरा ये क्रोम ब्राउजर ओपन है और ब्राउजर ओपन होने के बाद यहाँ पर मैं कुछ लगा कर छोड़ देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा ये वाला ब्राउजर जो है वो बंद हो गया, ठीक है। तो आपको लगेगा यहाँ पर आपकी जो आरडीपी है वो बंद हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने सिंपल वो ब्राउजर अगेन ओपन करना है जिसमें आपने आरडीपी बनाई थी और यहाँ से आपने ये लाइन को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आकर आपने सिंपल फेस करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये वाला सेशन ओपन किया हुआ था, सिंपल हम स्टार्ट अगेन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेगा, जब आप सेकंड टाइम बनाओगे ना तो यहाँ पर आप देखें आपकी जो आरडीपी आपने जहाँ से बंद की थी वहीं से आपको दोबारा देखने को मिली है, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम आरडीपी बनाते हो तो आपका अकाउंट वगैरह क्रिएट होने में और सर्वर का क्रिएट होने में थोड़ा सा यानी कि तकरीबन 40 सेकंड लग जाते हैं, लेकिन जब आप अगेन अगर इसको ओपन करोगे तकरीबन 5 सेकंड के अंदर अंदर आपकी एक्सेस हो जाएगी। और जहाँ से आपने ये ब्राउजर बंद किया था वहीं से ये सब कुछ अगेन ओपन होगा। यहाँ पर मैं आपके सामने अगेन करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला सेशन था, हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो देखें वहीं से ही हमें जो हमारी आरडीपी है वो मिलेगी। यहाँ पर आप कुछ भी लगाकर छोड़ दें, उसको बंद कर दें, आपका बैकग्राउंड पे सब कुछ चलता रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और याद से आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना है। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में न्यू मेथड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।